सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन किया गया अंचल के सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है और देखने वाली बात यहाँ पर ये यह होगी कि सजदीव न्यूपीटी कॉलेज ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है इस पहल के तहत संस्थान से ही पढ़कर बाहर निकले और अपनी सेवाएं इन दिनों वर्तमान में कहीं दे रहे चिकित्सकों को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है इस सप्ताह बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए और साथ ही टेस्ट सीरीज में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने डॉक्टर वेद प्रकाश सिन्हा विशेष रूप से शामिल हुए अपने बीच में अपने ही संस्थान के पास आउट मुख्य अतिथि को पाकर विद्यार्थी काफी प्रसन्न नजर आए सभी ने अपने अपने डाउट्स क्लियर जहां उनसे किए साथ ही अपने जज्बातों को जाहिर किया इस दौरान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन भी विशेष रूप से शामिल रहे कभी भी दूसरे से करोगे ना तो ऑलवेज फेस चेंज होता रहेगा उसकी जगह कोई और आएगा उसके जगह कोई और आएगा और आप खाली किसी एक शख्सियत से ही कंपेयर करते रहोगे अपने आप खुद से करोगे ना तो अपने आप को हरा के अपने आप को जीतोगे जीतने वाले खुद ही रहोगे तो कोई ग्रेवांसेज नहीं रहेगा कोई किसी तरह का मन में मलाल नहीं रहेगा दूसरे से करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे अरे वो देखो अच्छा इससे पार पार पा पा लिए लिए तो 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 वो वो देखो उससे पार वो देखो उससे तो। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर ने अपने अनुभव को साझा किया साथ ही संस्थान के इस पहल के लिए साधुवाद भी दिया इसके साथ ही संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने इस पहल का उद्देश्य बताया आज हमारा सातवां टेस्ट था जिसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था और वेद प्रकाश सिन्हा डॉक्टर वेद प्रकाश सिन्हा आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए डॉक्टर वेद प्रकाश सिन्हा दो दस बैच के सेलेक्शन में हैं और 2010 मतलब तो आज तेरह साल पहले इन्होंने सफलता पाई और उस समय भी इन्होंने यू सी एम एस से ऑल इंडिया बीसवा रैंक लाकर इन्होंने एडमिशन लिया था और उसके बाद एम एस ऑफ्टोलॉजी में किया इन्होंने मौलाना जात से अच्छा लगता है जब अपने पुराने बच्चे आ, कुछ अचीव करते हैं कुछ ऊंचाइयां लेते हैं और फिर और अच्छा लगता है कि जब हम उन्हें सम्मानित करने के लिए अपने बीच अपने दूसरे छोटे बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए गेस्ट के रूप में बुलाते हैं देखिए क्या होता है कि अगर हम चीफ़ गेस्ट किसी दूसरे शख्सियत को बुलाएं जो कि इस फील्ड से ना हो कोई भी शख्सियत अपने आप में किसी भी प्रोत्साहन के लिए काफ़ी होती है लेकिन जब हमारे पास पिछले तीस वर्षों के इतिहास में इतने बच्चे हमारे सेलेक्ट हो के आज समाज में ऊंचाइयों पर है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ही चीफ गेस्ट बना बनाए क्योंकि ये उस रास्ते से गुजरे हैं बखूबी जिस रास्ते से अभी की जो बैच है अभी की जनरेशन गुजर रही है इनका मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा इन बच्चों के लिए क्योंकि ये भी उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इनकी बातें भी उसी तरह सुनी जाएंगी क्योंकि जो जीत कर अपनी बातें बताता है जिसने सक्सेस पाई हुई है वो अगर रास्ता बताता है तो वो ज़्यादा काबिल होता है कारगर होता है आ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे अभी मुख्य अतिथि बनने का मौका मिलेगा और आ, आ, मतलब एक सौभाग्य का अनुभव होता है जब ऐसे आप खुद के जो इंस्टीट्यूट है टीचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप मुख्य अतिथि बन के आओ और वो बच्चे जिस बच्चों के ग्रुप में आप कुछ साल पहले थे और आज उन बच्चों को आप जो है प्राइज़ दो तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि और मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो कुछ लोग हैं जो कुछ टाइम बाद यहाँ मुख्य मुख्य अतिथि बने और वो दूसरों को दें का एक जो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि आपको छोटे छोटे अचीवमेंट में खुद को शबासी देना है वो बहुत अच्छा काम करता है आप हमेशा उससे क्या है छोटा सा भी अचीवमेंट है तो उससे खुश रहो डेली का अपना खुद का अचीवमेंट ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बताए कि आप अचीव किए हो तभी नहीं आप खुद आ, मतलब एनालिसिस करो कि आप मैं आप जो प्लानिंग था उसमें मैं अचीव कर लिया तो खुद को सवासी दो फॉर नेक्स्ट डे यू शुड बी फ्रेश है ना कि नेक्स्ट डे आपको जो करना है उसके लिए आप दोबारा हर दिन एक नया दिन है देखो कोई दिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूशन में हर दिन आपका जो है एक नया दिन है ऐसे मान के जीना है आपको सरदेवा न्यू पीटी कॉलेज की ये पहल काफी सराहनीय है इससे बच्चे जहां उत्साहित हो रहे हैं साथ ही अपने आप को भी इस तरह तैयार कर वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट